हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन बाय यूजिंग द स्टैक। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा, ओके, उसको हमको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ओके। ये हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमको करना है कन्वर्ट, ओके। इनफिक्स जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं ऑपरेंड्स के बीच में इस तरह से, ओके। यहाँ पर जैसे ये हमारा यहाँ पर है बी, ओके। यहाँ पर जो हमारे ए और हमारे ये जो बी है, ये हमारे यहाँ पर है ऑपरेंड, ओके। और जो हमारे यहाँ पर ये प्लस होता है, लाइक माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ओके, ये हमारे सब कुछ यहाँ पर हमारे पास होता है यहाँ पर ऑपरेटर, ओके। सो जो इनफिक्स होता है उसमें हमारे पास जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो दो ऑपरेंड के बीच में होते हैं, और जो पोस्टफिक्स होता है उसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर लास्ट में होते हैं, ओके। जैसे हमारे ये यहाँ पर ऑपरेंड जो है स्टार्टिंग में आ रहा है, और जो हमारे यहाँ पर ऑपरेटर है वो हमारा लास्ट में आ रहा है। ये हमको करना है बाई यूजिंग द स्टैक, ओके। अब ये हम किस तरह से करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक यहाँ पर हमारे पास एक इनफिक्स एक एक्सप्रेशन हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ए प्लस बी, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई सी प्लस डी। इसको हमको कन्वर्ट करना है वो पोस्ट फिक्स में, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास यहाँ पर आएगा बी सी मल्टीप्लीकेशन, ओके। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, देन हमारे पास बच रहा है यहाँ पर ए प्लस, और इधर हमारे पास है प्लस डी, ओके। अब हमको सॉल्व करना है इन दोनों को, यहाँ पर देखो इनको, ये हमारे पास एक अलग से ऑपरेंड है, ये हमारे पास अलग ऑपरेंड है। हम क्या करेंगे, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन एंड देन प्लस, ये हो गया, ये हमारा एक अलग ऑपरेंड बन गया। हमारे पास लास्ट ऑपरेंड है डी, ओके। जब इन दोनों को हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी सी मल्टीप्लीकेशन प्लस एंड देन डी एंड देन प्लस लास्ट में। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इनफिक्स टू और ये हमारा हो गया पोस्टफिक्स। इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स अगर आपको आता है थ्योरेटिकल कि हम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर हम अब प्रोग्राम समझते हैं कि हम एक्चुअल में किस तरह से बाय यूजिंग द प्रोग्राम ही हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं, ओके। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज करो हमारे यहाँ पर इनफिक्स जो एक्सप्रेशन था, ओके, वो हमारे पास एक एरे था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास था ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस एन एन डी, ये हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर एरे है इस तरीके से। एंड देन हम क्या करते हैं, जब भी हमारा यहाँ पर ओपरेंड आता है तो हम उसको सिंपली जो हमारा पोस्टफिक्स जो होता है उसके अंदर पुट करते हैं। हमारे जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ दूसरा एरे इस तरीके से, ठीक है। जब भी हमारा ओपरेंड आता है तो हमको सिंपली इसके अंदर यहाँ पर ऐड करना है पोस्टफिक्स एरे के अंदर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐड किया, एंड देन जब भी हमारा ऑपरेटर आता है तो हमको इसको यहाँ पर पुश करना है स्टैक के अंदर, यहाँ हमारा पास है ये स्टैक, ओके। इसके अंदर जब हम प्लस को पुश करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हमने पुश किया प्लस को, देन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर ओपरेंड, ओपरेंड को हम करेंगे पोस्टफिक्स के अंदर ऐड, हमने यहाँ पर किया। देन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। अब जो मल्टीप्लीकेशन होता है और जो प्लस होता है, इनमें हमारे पास एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है हमारे पास यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, वो होता है हमारे पास यहाँ पर प्रेसिडेंसी का। इसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो हमारा डिवीजन होता है, इनकी जो प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी है वो हमारे पास होती है हाई, ठीक है। एंड देन हमारे यहाँ पर होता है माइनस प्लस, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारे पास होती है लो, बाई कंपेयरिंग दिस, ओके। जो हमारा मल्टीप्लीकेशन और जो डिवीजन है इनसे प्रायोरिटी कम होती है हमारी माइनस एंड प्लस की, लेकिन इन दोनों की अगर हम आपस में प्रेसिडेंसी देखें या प्रायोरिटी देखें तो हमारी यहाँ पर होती है सेम, दोनों की यहाँ पर होती है सेम। इसी तरह इन दोनों की भी होती है हमारे पास यहाँ पर सेम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम ये चार ऑपरेटर लेंगे, इन चारों ऑपरेटर के ऊपर हम यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करके चेक करेंगे, ओके। एंड देन क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम इन चारों का सीख गए तो हम आगे कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
इनमें क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास स्टैक है, ओके, स्टैक में लो जो प्रायोरिटी का हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर है उसके ऊपर हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास है प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ओके, प्रायोरिटी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो सकता है, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी है ये हमारे पास इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। लो प्रायोरिटी के ऊपर हमारा हाई प्रायोरिटी का यहाँ पर आ सकता है, लेकिन हाई जो प्रायोरिटी है ऑपरेटर है उसके ऊपर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर नहीं आ सकता, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे जब भी हमारा ये हो रहा है लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर के ऊपर हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ रहा है तो हमको सिंपली इसको क्या करना है, पुश करना है, ओके। लेकिन जब हमारे पास हाई प्रायोरिटी के ऊपर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले से जो हाई प्रायोरिटी यहाँ पर ऑपरेटर है उसको तो हम कर लेंगे यहाँ पर पॉप, एंड पुश कर देंगे हम यहाँ पर लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर को। अब हम देखते हैं इसके थ्रू कि हम क्या कर क्या रहे हैं, ओके। तो हमारे यहाँ पर आया प्लस, हमने यहाँ पे प्लस किया, देन हमारा बी आया मतलब ऑपरेंड आया, ऑपरेंड को हमने पोस्टफिक्स में यहाँ पर ऐड किया, देन हमारे पास आया यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन जो है उसके प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, हाई, ओके। नीचे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लो प्रायोरिटी का, ओके। हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जो हमारे पास है हाई प्रायोरिटी का, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है ये वाली, तो हमारे इससे हमें कोई यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारे पास आएगा यहाँ पर सी, ऑपरेंड आया, ऑपरेंड को हमने यहाँ पर ऐड किया, देन हमारे पास आ रहा है ऑपरेटर, ऑपरेटर हमारे पास कौन सा, प्लस। जैसे ही हम यहाँ पर प्लस को ऐड करते हैं तो हमारे ये क्या है यहाँ पर लो प्रायोरिटी का, लो प्रायोरिटी का मतलब हमारी ये जो ये कंडीशन जो है ये वाली ये फॉल्स हो रही है लेकिन ट्रू हो रही है ये वाली। जब भी ये वाली कंडीशन होती है हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी का उसको यहाँ पर पॉप करना, तो हाई प्रायोरिटी का कौन सा, ये वाला, हम इसको यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद हम इसको स्टोर कर देंगे हमारे पोस्ट फिक्स में इस तरह से, देन उसके बाद हमारा जो प्लस था उसको हम यहाँ पर पुश कर देंगे, ओके। तो हमारे पास जो यहाँ पर स्टेक है वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा हो गया लो प्रायोरिटी का। अब यहाँ पर देखो दोनों की जो प्रायोरिटी है वो हमारे पास सेम है, ओके, दोनों ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है। सेम जब होती है तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर को निकाल लेंगे, कौन से ऑपरेटर को, जो हमारा उससे पहले जो ऑपरेटर है उसको, मतलब नीचे वाला जो ऑपरेटर है उसको हम निकाल देंगे, ओके। सेम होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर करते हैं पॉप इस तरीके से, तो हम इसको यहाँ पर पॉप कर लेंगे एंड देन स्टोर कर लेंगे हमारे पोस्ट फिक्स एरे के अंदर इस तरीके से, तो हम हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और हमारा प्लस यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। देन हमारे पास आता है यहाँ पर डी, तो हम क्या करेंगे, जो डी है उसको हम सिंपली यहाँ पर पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे, ओके। यहाँ तो हो गया, अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, पूरी कंप्लीट होगी। जब हमारी कंप्लीट होती है तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास यहाँ पर स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर है सबको हम यहाँ पर करते हैं पॉप एंड देन स्टोर करते हैं हमारे पोस्टफिक्स, ये हमारा प्लस है, ओके। हमारा पोस्टफिक्स जो एरे है उसके अंदर यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, तो इस तरह से हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हमको परफॉर्म कराना है और हम ये सभी प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, ओके। तो हमारा देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये जो पोस्ट फिक्स आ रहा है वो हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर इससे, ए बी सी, ओके, मल्टीप्लाई एंड देन प्लस डी प्लस, ओके, इस तरह से हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पर किया इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हम कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पर समझा, अब हम ये सारा करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो यहाँ पर नीड है वो क्या क्या, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो नीड है वो क्या, हमको दो यहाँ पर एरे बनाने हैं, ओके। एक एरे होगा हमारे पास इनफिक्स, उसकी हमारे पास कुछ साइज होगी यहाँ पर, ओके। दूसरा जो एरे होगा हमारे पास यहाँ पर होगा पोस्टफिक्स, उसकी भी हमारे पास कुछ साइज होगी, दोनों की साइज हमारे पास यहाँ पर सेम रहेगी, जो साइज होगी वो हमारे पास यहाँ पर सेम होगी। सेम क्यों होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर हमारे पास दो यहाँ पर एरे, ओके, इन दोनों की जो साइज है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है, ओके। हमने सिंपली यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स किया, ना ही तो हमने किसी कैरेक्टर को यहाँ से रिमूव किया, ना ही हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, उन्हीं जो कैरेक्टर्स थे हमारे पास उनके अंदर हमने यहाँ पर चेंजेस किए। देन हमारे पास यहाँ पर आता है ये हमारे पास फर्स्ट हो गई, ओके। देन हमको इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा हमको यहाँ पर एक स्टैक बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे। स्टैक क्या करेगा, जब भी हमारा ऑपरेटर आता है तो हमको क्या करना है, सिंपली
पुश ऑपरेशन को यहाँ पर कॉल करना है। ओके, देन उसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर प्रिसीडेंस एक फंक्शन बनाना है, प्रिसीडेंस जो हमारा चेक करेगा जो हमारे यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है, जो ऑपरेटर्स है उनके बीच में कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा। कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा स्टैक से जो हमने ऑपरेटर लिया है, ओके स्टैक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्टैक का जो हमारे पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर है अगर वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर होता है इनफिक्स का जो ऑपरेटर है उससे, तो हम क्या करेंगे सिंपली जो हमारा यहाँ पर स्टैक में जो भी हमारे पास ऑपरेटर होगा उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे हमारे पोस्टफिक्स एरे के अंदर। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं पोस्टफिक्स जो हमारे पास यहाँ पर एरे है उसके अंदर हम सिंपली उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे जो भी हमारा होगा स्टैक का ऑपरेटर इसको। ओके, सो हमको ये यहाँ पर सिंपली करना है एंड देन हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन थी वो क्या थी कि हमारा जो लो है उसके ऊपर यहाँ पर हाई प्रेसिडेंसी का आ सकता है एंड देन जो हमारा हाई प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है उसके ऊपर लो प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर नहीं आ सकता। इसी चीज को यहाँ पर दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं और इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंसी फंक्शन। ओके, अब हम चलते हैं हमारे वीएस कोड में एंड देन हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हमारा जो प्रोग्राम है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स डॉट सी। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो stdio.h एंड हमारा int main इस तरह से रिटर्न जीरो करना है एंड देन सबसे पहले हमको यहाँ पर एक एरे बनाना है इनफिक्स। ओके, साइज हम क्या करेंगे यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन कर देंगे। ओके, दोनों की एंड देन यहाँ पर इसके अलावा पोस्टफिक्स इसकी साइज हम यहाँ पर सेम लेते हैं। ओके, साइज हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, सो हैज डिफाइन साइज हम करते हैं इसकी 10। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया ठीक है, हमको यूजर्स इनपुट लेना है। यूजर्स इनपुट लेने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है गेट्स, जो भी होगा वो हमारा जाएगा इनफिक्स के अंदर। हम सिंपली एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो परसेंटेज एस से हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं, हमारे पास है यहाँ पर इनफिक्स। चेक करते हैं हमारे यहाँ पर रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो हमको यहाँ पर एंटर करना है, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, हमारे यहाँ पर ये सक्सेसफुल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर लेने के वाले हैं, यहाँ पर हम लेंगे हमारे एक्सप्रेशन जो कि हमारा होगा यहाँ पर इनफिक्स। ओके, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, लाइक देखो यहाँ पर हमारे पास इनफिक्स है और पोस्टफिक्स है जो दोनों हमारे पास है, इनको हमको यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर पास करना है। फंक्शन का हमारा नाम था प्रेसिडेंस कर देते हैं ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमको पास करना हमारा इनफिक्स एरे एंड देन हमारा पोस्टफिक्स एरे, यहाँ पर हम इस तरह से पास करेंगे। इसको हम यहाँ पर करते हैं कॉपी। ओके, या फिर मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर हम चलते हैं फंक्शन में आते हैं इनफिक्स टू हमारा आता है यहाँ पर पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स ये वाला हमको फंक्शन में आना है। सो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं एंड देन इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हमको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना एंड देन यहाँ पर हम लेते हैं कैरेक्टर पॉइंटर लेते हैं और इनफिक्स एंड देन सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर पॉइंटर हमारे पोस्टफिक्स के लिए, ये हमारे यहाँ तक हो गया ठीक है। अब हमको करना है इसके बाद यहाँ पर हमको चेक करना है, मतलब हमको स्कैन करना है। देखो स्कैन किस तरह से करेंगे, लाइक मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर इंट टू, हमको चलना है यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर इनफिक्स होगा ओके उसका जो हमारे पास आई होगा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू होता है नल के इस तरह से ठीक है। यहाँ तक हमको चलना, मतलब कि हमको जो एक स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग तक हमको एंड तक पूरा ट्रेवर्स करना। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली ओके, एक हमारे पास है ए प्लस बी प्लस मल्टीप्लीकेशन कर दे ओके मल्टीप्लीकेशन एंड देन सी प्लस डी, ये है हम स्कैन कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट है ये हमारा राइट है, इस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं स्कैन। तो स्कैन हम कर रहे हैं फोर लूप के थ्रू, सबसे पहले हमारा जो आई है वो पॉइंट करेगा यहाँ पर देन हमारा यहाँ पर, इस तरह से हमारा आई यहाँ पर मूव करता जाएगा
ठीक है, तो हम सिंपली इनको मूव कराते जा रहे हैं एंड देन हम चेक करेंगे क्या जो हमारा जो भी हमारा कैरेक्टर है क्या वह ऑपरेंड है या फिर ऑपरेटर है। ऑपरेंड हुआ तो हमको सिंपली जो पोस्ट फिक्स हमारा जो यहाँ पर एरे है उसके अंदर ऐड करना है। अगर हमारा यहाँ पर होता है ऑपरेटर तो ऑपरेटर होने के बाद हमको उसको सिंपली यहाँ पर क्या करना है पुश करना है स्टैक के अंदर। तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर आते हैं एंड देन हमने फॉर लूप यहाँ पर लगाया। ओके, हमारे पास जब फर्स्ट कैरेक्टर आता है इनफिक्स जो है उसका फर्स्ट कैरेक्टर आएगा उसको हम चेक करेंगे या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा ए से एंड इनफिक्स जो है का जो आई है वो हमारा लेस देन होना चाहिए हमारे हेड के। ओके, इस तरह से सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से इस तरह से एंड देन हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे ये हमारा। अब इसके अलावा हम कर सकते हैं कैपिटल ए के लिए एंड देन कैपिटल जेड के लिए। ओके, अगर हमारे ये होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे जो हमारा पोस्ट फिक्स जो एरे है उसके अंदर ऐड करना है, ऐड करना बाय यूजिंग द इंडेक्स। ओके, अब देखो इंडेक्स कौन सी होगी यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इंडेक्स क्या होगी यहाँ पर हमारे दो एरे हैं। ओके, यहाँ पर इस तरीके से ये फर्स्ट एरे और ये हमारा यहाँ पर सेकेंड एरे है, ये हमारा पोस्ट फिक्स के लिए, ये हमारा यहाँ पर इनफिक्स के लिए। ओके, जब भी हमारा यहाँ पर लाइक इस तरह से एलिमेंट्स है, जब भी हमारा जो आई है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है देन आई हमारा यहाँ पर भी वो पॉइंट करेगा, आई हमारा पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रेवर्स करेगा, लेकिन इसका ट्रेवर्स हमारा यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि जब भी ऑपरेटर आएगा तो हमारा आई तो ट्रेवर्स करेगा लेकिन ये हमारा यहाँ पर ट्रेवर्स नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक अलग से पॉइंटर बनाएंगे जो होगा हमारे पास जे, जे को हम चलाएंगे पोस्ट फिक्स के लिए, आई को हम चलाएंगे इनफिक्स के लिए। ओके, तो हमारा जो आई है वो हमारा यहाँ पर पहले से चल रहा है हमारे इनफिक्स के लिए। हम यहाँ पर दूसरा करते हैं एक वेरिएबल जे इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा चलेगा हमारे पोस्ट फिक्स के लिए इस तरह से एंड देन हमको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है इनफिक्स जो है उसका हमारे पास जो आई है वो, ठीक है एंड देन हमारा जो जे है उसको हम यहाँ पर करेंगे प्लस प्लस, ये हमारे पास होगी पहली कंडीशन। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने क्या किया हमारे पास था ए प्लस बी मल्टीप्लाई एंड देन सी प्लस डी। जब भी हमारा यहाँ पर ओपरेंड आता है तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हमारे पोस्ट फिक्स एरे के अंदर इस तरीके से। ओके, जब भी हमारा ओपरेंड आता है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं पोस्ट फिक्स एरे के अंदर, लेकिन जब हमारा ऑपरेटर आता है तो हमको क्या करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है स्टैक के अंदर पुश करना है। तो यहाँ पर मैं एल्स वाली कंडीशन लगाता हूँ एल्स। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ इस तरीके से, इसके अंदर हमें क्या करना होगा यहाँ पर पुश करना है स्टैक के अंदर, लेकिन स्टैक के अंदर पुश करने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखनी होगी वो हमारे पास है। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है, प्लस है ठीक है एंड देन मल्टीप्लाई है। ओके, इस तरह से हमारे पास है तो हम क्या करेंगे पहले चेक करेंगे कि हमारी इनकी जो प्रेसिडेंसी वो क्या है, हमारे जो नया ऑपरेटर जो हमारे पास आया है लाइक यहाँ पर हमारे पास रहा प्लस तो इसके साथ इसकी प्रेसिडेंसी क्या है, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक वाइल लूप लगाते हैं। ओके, तो देखो वाइल लूप किस तरह से लगेगा, हमारे पास वाइल लूप लगेगा वाहिल जो हमारा यहाँ पर स्टेक होगा वो पहली कंडीशन क्या है एम्प्टी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास होगी पहली कंडीशन, ये हमारे पास फंक्शन है जो हम यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंस है वो हमारी जो हमारा स्टैक है ठीक है उसका जो हमारे पास जो टॉप होगा उसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए प्रेसिडेंस ऑफ हमारे पास यहाँ पर आता है इनफिक्स जो हमारे पास आई है उससे। अगर ये हमारे पास होता है तो हमको सिंपली जो हमारे पास पोस्ट फिक्स है उसके अंदर हमको यहाँ पर क्या करना है ऐड करना है जो भी हमारा स्टैक का टॉप यहाँ पर एलिमेंट होगा उसको एंड देन हम सिंपली जो हमारा जे है उसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर तीन फंक्शन यूज किया, फर्स्ट हमारा इज एम्प्टी है, सेकेंड हमारा प्रेसिडेंस है एंड थर्ड हमारे पास है पॉप। तो हम सबसे पहले बनाते हैं इज एम्प्टी फंक्शन। ओके, और इज एम्प्टी फंक्शन बनाने से पहले हमको यहाँ पर एक स्टैक बनाना होगा, तो हम स्टैक बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इसके साइज हम यहाँ पर देते हैं एंड देन int टॉप इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस वन करते हैं
ओके अब हम बनाते हैं यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी हमारा रिटर्न करेगा जीरो या वन। ओके सो हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, एंड देन इफ अगर हमारा जो टॉप है वो माइनस वन होता है तो हमको यहाँ पर रिटर्न करना है वन, अदरवाइज हमको यहाँ पर रिटर्न करना है सिंपली जीरो। ये हो गया हमारा इज एम्प्टी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसिडेंस फंक्शन। प्रेसिडेंस में हमारे पास इनके जो ऑपरेटर्स होंगे उनके हमको यहाँ पर प्रेसिडेंसी देनी होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा रिटर्न टाइप करेगा इंटीजर। तो हमने यहाँ पर लिया इंट एंड देन प्रेसिडेंस हमारा फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा एक कैरेक्टर आएगा। ओके तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कैरेक्टर एंड इसको लेते हैं हम सी एच ले लेते हैं। ओके एंड अब इसको हम चेक करते हैं इफ अगर हमारा जो सी एच है वो हमारा यहाँ पर हो सकता है प्लस हो सकता है ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पर हो सकता है सी एच यहाँ पर माइनस हो सकता है, क्योंकि हमारा प्लस और माइनस जो उनकी प्रेसिडेंस है वो हमारी सेम होती है। तो हमने यहाँ पर लिया इसको सेम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करके। अगर ये हमारे पास होता है तो हमको क्या करना है यहाँ पर रिटर्न करना है यहाँ पर हम कर देते हैं वन, या फिर हम यहाँ पर जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इनकी प्रेसिडेंस होती है ये हमारे पास कम होती है। अब देखो प्रेसिडेंस हम कैसे सेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन और यहाँ पर प्लस और माइनस, तो इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो क्या है यहाँ पर इसकी तो वन इसकी है टू, जिसकी ज़्यादा होगी जैसे इसकी टू है तो मतलब इसकी हाई प्रायोरिटी है, इसकी वन है मतलब इसकी कम है। ओके तो हम इस तरह से यहाँ पर इनको हमको यहाँ पर रिटर्न करना है। ओके देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर वन किया प्लस और माइनस के लिए, दूसरा हम यहाँ पर लगाते हैं एल्स इफ। ओके इस तरह से हमारे यहाँ पर कैरेक्टर है अगर वो हमारे पास होता है मल्टीप्लाई या फिर हमारा होता है यहाँ पर डिवीजन तो हमको यहाँ पर रिटर्न करना है टू। ओके अगर हमारा ये कुछ भी नहीं होता है मतलब हम और ऑपरेटर के लिए यहाँ पर हम प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर ओनली चार ऑपरेटर के लिए यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं ठीक है, अगर हमारे पास इसके इनके अलावा कुछ भी ऑपरेटर होता है तो हम यहाँ पर सिंपल रिटर्न करेंगे जीरो, मतलब उनकी प्रायोरिटी हम कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल हाँ जीरो हम कह सकते हैं ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, लाइक देखो हमने यहाँ पर चेक तो कर रहे हैं लेकिन सपोज करो हमारा यहाँ पर पहले से ही एम्प्टी है, स्टैक जो हमारा पहले से एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर कॉल करते हैं अगर हमारा इज एम्प्टी यहाँ पर होता है लाइक हमारा ये यहाँ पर ट्रू होता है तो हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर माइनस वन। ओके एंड इसको भी हम माइनस वन यहाँ पर कर सकते हैं लाइक दिस। ओके ये हमारा यहाँ तो हो गया। देन हमारे पास हमने प्रेसिडेंस फंक्शन बना लिया, हमने इज एम्प्टी बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर हमारे पास पॉप फंक्शन, तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे हमारा एक कैरेक्टर हमको रिटर्न करना है। ओके एंड देन कैरेक्टर रिटर्न किस तरह से करेंगे, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कैरेक्टर लेंगे सी एंड देन स्टैक का जो टॉप होगा वो हम करेंगे सी के अंदर, एंड देन जो हमारा टॉप होगा उसको हम करते हैं डिक्रीमेंट, इसके बाद हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर सी को। जो हमारा टॉप होगा स्टैक का जो भी ऑपरेटर होगा उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं हमारे एक वेरिएबल के अंदर, हमारे जो पोस्टफिक्स जो एरे हमारे पास एरे उसके अंदर हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमने तीनों फंक्शन बना लिए। अब देखो हमारे यहाँ पर हो गया ये वाली कंडीशन जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर पहले से ही हमारे पास यहाँ पर हो, लेकिन सपोज हमारे पास यहाँ पर नहीं है एम्प्टी हमारे पास है, पहला कैरेक्टर ही हमारे पास क्या है यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, तो प्लस होने पर हमको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे देखो अगर हमारा एम्प्टी नहीं है तो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या यहाँ पर आएगा वन। ओके जब वन आएगा तो ये हमारा कर देगा इसको जीरो, जीरो करने के बाद हमारा ये व्हाइल लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा एंड देन हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हमको यहाँ पर सिंपली पुश फंक्शन को कॉल करना है ठीक है, यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना पुश फंक्शन को कॉल करना है एंड देन उसके अंदर हमको एक कैरेक्टर देना जो हमारा होगा इनफिक्स ऑफ आई। अब हमको यहाँ पर एक पुश फंक्शन भी बनाना होगा, तो हम चलते हैं पुश फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं void एंड देन हमारा सिंपली पुश फंक्शन। ओके यहाँ पर हम लेंगे कैरेक्टर सी ले लेते हैं एंड देन जो हमारा टॉप है या फिर हम कह सकते हैं जो स्टैक है उसको पहले तो इंक्रीमेंट करेंगे देन उसके अंदर वैल्यू डालेंगे। सो यहाँ पर हमारे इस तरह से यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर देंगे ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पर पुश फंक्शन एंड देन ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया, हमने पुश भी कर दिया। अब इसके अलावा क्या है देखो हम यहाँ पर चेक करते हैं, सपोज करो
हमारा ये पूरा यहाँ पर ट्रेवर्स हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, पर दिखाता हूँ ठीक है। हमने हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, हमारे पास एक एरे है ठीक है, इनफिक्स है, यहाँ पर हमने पूरा इसको ट्रेवर्स कर लिया। हमारे पास जो स्टैक है उसके अंदर कुछ ऑपरेटर यहाँ पर बच रहे हैं। अब कुछ ऑपरेटर बच रहे तो हमारे ऑब्वियसली बात है सबसे लास्ट में आएंगे इस तरह से ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं। लूप क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा सभी ऑपरेटर्स को यहाँ पर निकालने के लिए। तो व्हाइल लूप लगाते हैं, जब तक हमारा यहाँ पर जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमको ये लूप चलाना है ठीक है। एंड देन सिंपली हमको क्या करना है, पोस्टफिक्स जो उसका जो जे है उस पोजीशन पर हमको यहाँ पर जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा उसको यहाँ पर ऐड करना है। एंड देन जो हमारा जे है उसको यहाँ पर प्लस करना है लाइक दिस। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पोस्टफिक्स जो यहाँ पर एरे है ओके, लाइक मैं इसको एक बार रन करते हैं, हम देखो इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या आता है। यहाँ पर हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन को कॉल किया एंड देन हमने यहाँ पर प्रिंट किया इनफिक्स को। एंड इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं परसेंटेज एस ओके, एंड यहाँ पर करते हैं हम हमारे पोस्टफिक्स एरे को प्रिंट ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनफिक्स तरह से, यहाँ पर मैं करता हूँ पोस्ट फिक्स लाइक दिस। इसको एक बार रन करते हैं देन एरर देखते हैं क्या आती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं एक एक्सप्रेशन डालते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, जो कि हमने एग्जांपल में लिया था ठीक है, वही लेते हैं। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर एक न्यू लाइन लगाते हैं जिससे हम तो अच्छा दिखेगा यहाँ पर। तो वापस करते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी को एंटर करते हैं एंड देन हमारे यहाँ पर आप देखो सो जूम करता हूँ थोड़ा ओके। आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो इनफिक्स है वो हमारे पास आ रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी एंड देन पोस्टफिक्स में आ रहा है ए बी सी मल्टीप्लीकेशन एंड देन प्लस डी प्लस। तो हमारा आई थिंक यही हमारा यहाँ पर आउटपुट आ रहा था, हमारा यहाँ पर आउटपुट आ रहा था इस तरीके से ठीक है। ये जो हमारा पोस्टफिक्स है देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए बी सी और यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास ए बी सी पोस्टफिक्स के अंदर ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देन प्लस डी प्लस और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लीकेशन प्लस डी प्लस। तो हमारा यहाँ पर हमने किया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ओके, ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया जो हमारी हेल्प कर रहा है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यहाँ पर कन्वर्जन की। इसके अंदर हम एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास है लाइक हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया है इस तरीके से, यानी कि जो हमारा एरे होता है उसके अंदर लास्ट में एक नल कैरेक्टर देना होता है, लेकिन हमें पोस्टफिक्स जो हमारा एरे है इसके अंदर हमने कोई भी नल कैरेक्टर नहीं दिया। तो हम एंड पॉइंट समझने के लिए हम यहाँ पर करते हैं पोस्टफिक्स जो है उसका हमारे पास जो जे होगा उसके अंदर हमको सिंपली एक नल कैरेक्टर देना इस तरीके से ओके। अब हम वापस इसको रन करते हैं एंड देन चेक करते हैं। सो ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस डी सेम आउटपुट हमारे पास आ रहा है, इन्हीं को हम वापस से स्मॉल लेटर में करते हैं। सो ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस डी ओके, हमारा यहाँ पर स्मॉल में भी यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा यहाँ तक हो गया, देन अब हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। सो एक मैसेज प्रिंट करते हैं एंटर एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर यूजर सिंपली एंटर करेगा ओके। वापस करते हैं रन, हाँ यहाँ पर हम करते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी प्लस डी डी ओके, हमारे ये आ रहा है। अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं गूगल से, देन उनको सभी को यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एग्जाम्पल्स ओके, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर हम लेते हैं, हमने देखो ये ब्रेकेट वाला हमने यहाँ पर नहीं किया, ब्रेकेट वाला भी यहाँ पर हम कर सकते हैं ओके, जो कि हमारे ये यहाँ पर आसान है अगर हम इस यहाँ पर इन चार ऑपरेटर्स को अगर समझ गए तो ठीक है। हमारे पास पहले हम ये हमने यहाँ पर करके देखा है, अब हम देखते हैं इस वाले को यहाँ पर कॉपी करते हैं एंड देन सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पर पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ बताता हूँ ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर पेस्ट किया ए ओके मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन डी, तो इसको रन करते हैं एंड देन यहाँ पर हमारा इनफिक्स इस तरह से आ रहा है एंड देन पोस्टफिक्स भी हमारे पास सेम आ रहा है। अब इसका रीजन देखो, रीजन क्या है, रीजन क्या है देखो, वापस मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। अगर हम
यहाँ से इन स्पेस जो इनके बीच में स्पेस है उनको यहाँ से अगर हम हटा दें इस तरह से, अब हम इसको रन करें तो हमारे पास देखो आ रहा है ए बी मल्टीप्लीकेशन सी डी मल्टीप्लीकेशन प्लस, आई थिंक हमारा यहाँ पर भी यही आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए बी मल्टीप्लीकेशन सी डी मल्टीप्लीकेशन प्लस, हमारे यहाँ पर सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब भी हमारे पास यहाँ पर स्पेस आ रहा है तो उसकी कंडीशन नहीं थी। अब देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं एक कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं, कंडीशन क्या है, एल्स इफ अगर हमारा जो इनफिक्स है उसका जो आई होगा जो कैरेक्टर होगा अगर वो हमारा इक्वल होता है स्पेस के, तो हमको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ओके, अब हमारे यहाँ पर अच्छे से चल जाएगा, वापस रन करते हैं और वो हमारा यहाँ पर स्पेस वाला हम देते हैं तो देखो यहाँ पर हमारा सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमको एक लेना है तो तरीके से, ठीक है हमने कॉपी किया एंड देन रन करते हैं वापस से, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, इसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास ए बी प्लस सी। ओके, तो मैच कराते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको, ए बी प्लस सी ओके एंड देन प्लस डी प्लस, तो प्लस डी प्लस हमारे ये यहाँ पर मैच हो रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का, इसको मैं यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ लाइक दिस, ये हमारा प्रोग्राम है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का, जिसमें हमने यहाँ पर ओनली चार जो ऑपरेटर हमारे पास है उनको हमने यहाँ पर यूज करके देखा। ओके, तुम चाहो तो यहाँ पर हमारे पास जैसे और ऑपरेटर आते हैं लाइक, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास और ऑपरेटर आते हैं लाइक यहाँ पर पावर का आता है, ओके एंड देन हमारे पास यहाँ पर पैरेंथेसिस आते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस ये वाले भी यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हो। इनको सिंपली कुछ नहीं करना, इनको उनमें हमारे जो कंडीशन है उनके अंदर हमको यहाँ पर ऐड करना है, जो प्रेसिडेंसी फंक्शन आया था उसके अंदर हमको ये वाला ऑपरेटर भी यहाँ पर ऐड करना होगा एंड देन इसकी जो प्रेसिडेंसी होगी हमारे पास यहाँ पर हम रखेंगे 3, क्योंकि जो 1 प्रेसिडेंसी थी वो हमारे पास थी प्लस और माइनस की, 2 हमारे पास थी वो थी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन की, 3rd जो होगी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर पावर ऑपरेटर की। ओके एंड देन जो पैरेंथेसिस का है तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक लूप लगा सकते हैं। पैरेंथेसिस में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस इस तरह से ओपन हो रहा है, हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर स्टोर कर लेंगे इस तरह से हमारे स्टैक के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हम जब भी हमारा ये क्लोज वाला हमारे पास आता है पैरेंथेसिस, तो हम क्या करेंगे जितने भी हमारे पास ऊपर यहाँ पर ऑपरेटर होंगे सबको हम पॉप करेंगे एंड देन हमारे जो पोस्ट फिक्स हमारे पास जो एरे है उसके अंदर हम इनको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास स्टैक से हमको यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता। ओके, तो तुम ये वाला प्रोग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।